नमस्कार साथियों, दिल्ली के अंदर जंतर मंतर पर पिछले कई दिनों से पहलवानों द्वारा अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ी जा रही है। किसान परिवारों से आने वाली बहन बेटियों के साथ इस प्रकार से अन्याय किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा करना, ये पूरे देश के लिए शर्मनाक बात है। यदि एक खेल के अंदर आज इन चुनिंदा खिलाड़ियों के साथ अन्याय हो रहा है तो सोचिए, यदि इन लोगों को न्याय नहीं मिला तो देश और प्रदेश के अंदर आगे ये अन्याय किस स्तर पे बढ़ेगा। इनकी लड़ाई को मजबूत करने के लिए, इनकी आवाज को मजबूत करने के लिए मैं 28 अप्रैल को जंतर मंत्र पर इन लोग पहलवानों द्वारा जो धरना दिया जा रहा है उसमें शामिल होऊंगा पूरी टीम के साथ, और इन लोगों की आवाज को मजबूत करने का कार्य करेंगे। और भी लोगों से मैं निवेदन करना चाह रहा हूं कि आप अपने देश से प्रेम करते हैं, खिलाड़ियों से प्रेम करते हैं, तो इन लोगों के साथ आके इनकी आवाज को मजबूत करना चाहिए। जब ये बहन बेटियां संघर्ष करके विदेशों में भारत देश का नाम रोशन करती है, तिरंगा लहराती है, जब पूरे देश और प्रदेश के लोग खुशियां मनाते हैं और इनको बधाई देते हैं, जब आज इनके साथ बात अन्याय की आई है, तो अपन सब लोगों को इनके साथ खड़ा रहना चाहिए। राम राम साहब।